उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की, सूबे की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम रहे इसके लिए यूपी की राजधानी लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी एक बड़ी पहल की है। दरअसल इस बार होली जुमे के दिन खेली जाएगी यानी शुक्रवार को, और इसी दिन जुमे की नमाज़ होने की वजह से मौलानाओं ने न सिर्फ नमाज का वक्त बदलकर दोपहर 1 बजे के बाद रख दिया है, वहीं होली का त्यौहार शांति और मोहब्बत और प्यार के तरीके से मनाया जा सके इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि ऐशबाग स्थित ईदगाह में जुमे की नमाज 2:45 बजे अदा की जाएगी। वहीं मौलाना कल्बे जव्वाद के मुताबिक बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में नमाज 1 बजे अदा की जाएगी। वैसे सामान्य दिनों में ऐशबाग स्थित ईदगाह में जुमे की नमाज 12:45 पर अदा की जाती है, जबकि आसिफी मस्जिद में नमाज का वक्त 12:20 का वक्त है। तो ऐसे में यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी चाहते हैं कि देश में अमन कायम रहे, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार ऐसे भी हैं, जो कुछ फर्जी देशभक्त ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि देश में फिजा बिगड़ी रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। लेकिन तब तक इस तरीके के मुस्लिम आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ हिंदू हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, तो कभी इन जैसे लोगों की राजनीति सही नहीं चल पाएगी। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.